नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। बुलेटिन शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जो आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। दिन भर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आज रात कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रत्याशी चयन का फॉर्मूला तय किया जाएगा। साथ ही दावेदारों से आवेदन लेने की प्रक्रिया पर फैसला हो सकता है। मिशन 2013 को लेकर रखी गई यह बैठक कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में होगी, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल, चुनाव समिति और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, स्पीकर चरणदास महंत और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक पार्टी ने प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर अपने सर्वे करा लिया है। अलग अलग सर्वे रिपोर्ट पर चर्चा होगी। जश्न आजादी के पर्व पर रायपुर की ऐतिहासिक इमारतों को खूबसूरती के साथ सजाया गया। इनमें से कई इमारतें ऐसी हैं जो आज भी अंग्रेजों से हुई जंग की गवाही देती है। कुछ भवनों को अंग्रेजों ने दफ्तर निवास बनाया हुआ था। इसके अलावा कई भवन ऐसे हैं जहां आजादी के आंदोलनकारियों से जुड़े क्रांतिकारी गुप्त बैठकें किया करते थे, जहां वे अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाते थे। इन भवनों के ऐतिहासिक महत्व को बताते हुए रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर ने बताया कि आजादी के आंदोलन में रायपुर एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में रहा था। यहां की इमारतें आज भी क्रांतिकारियों के बलिदानों की गवाह है। बिलासपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भाजपा ने मौन रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी कार्यालय में संगोष्ठी भी आयोजित की गई, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहन भाइयों को विस्थापित होना पड़ा, अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि विभाजन के कारण हुई हिंसा और नासमझी में की गई नफरत से हिंसा हुई है, जिसका खामियाजा लाखों देशवासियों को भुगतना पड़ा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर 14 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से केंद्र सरकार ने राजपथ में अधिसूचना जारी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह आयोजन देश के वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों की यातनाएं और वेदना का स्मरण दिलाने की कोशिश है। बिलासपुर में कांग्रेस नेताओं में विधानसभा चुनाव के लिए अभी से टिकट की होड़ मची हुई है। जिले में कांग्रेस के गढ़ के रूप में पहचान बनाने वाली कोटा विधानसभा में इस बार शहर के कांग्रेसी नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। सोमवार को जिलाध्यक्ष विजय किशनवानी ने अपने जन्मदिन के बहाने सांस्कृतिक संध्या और भोज का आयोजन कर शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं आजादी की पूर्व संध्या पर पर्यटन मंडल अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने भी एक श्याम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन कर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सत्ताधारी दल कांग्रेस के नेता अपनी सीट पक्की करने की तैयारी में जुटे हैं। बिलासपुर शहर में कांग्रेस के विधायक शैलेश पांडे हैं। ऐसे में सिटिंग एमएलए के टिकट कटने की आशंका नहीं के बराबर है। यही वजह है कि शहर के कांग्रेस नेताओं की नजर सामान्य सीट बिलतारा और कोटा पर टिकी हुई है, मगर बिलतारा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार प्रदीप शर्मा की सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस नेता वहां की बजाय कोटा विधानसभा में कुछ ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि कोटा कांग्रेस का गढ़ है, तो यहां से कोई भी दावेदार आसानी से चुनावी वेतरणी पार कर सकता है। नए जिले में भले ही कंपोजिट बिल्डिंग बनाने का काम पूरा हो गया हो, लेकिन राजधानी में 11 साल बाद अब नई बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किया गया। अफसरों की लेट लतीफी की वजह से कंपोजिट बिल्डिंग की बजट 6 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गया है। नया भवन पहले 5 माले का तय किया गया था, लेकिन अभी से 7 फ्लोर का बनाया गया है। ये भवन पूरी तरह से हाईटेक और वाईफाई से लैस होगा। हर फ्लोर में आने जाने के लिफ्ट के साथ ही एक्सेलेटर भी लगाए जाएंगे। भवन में सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए नया कंट्रोल रूम बनेगा, जिसमें चप्पे चप्पे में लगे सीसीटीवी कैमरों में एक ही जगह से निगरानी की जा सकेगी। अफसरों के कैमरे डिजिटल लॉक होंगे, यानी उनकी उपस्थिति में कमरे नहीं खुलेंगे। छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।